दोस्तों काजू, किशमिश, बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स तो सब लोग बहुत मन से खाते हैं। त्योहार की रौनक बढ़ाने के साथ साथ सबको पता है कि इन ड्राई फ्रूट्स के कई फायदे होते हैं। इन्हीं ड्राई फ्रूट्स में से एक है अंजीर, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अंजीर के फायदे के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है, इसलिए आइए जानते हैं अंजीर के फायदे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि अंजीर या फिग है क्या। अंजीर ड्राई फ्रूट की श्रेणी में आता है। इसे अंग्रेजी में फिग कहते हैं। अंजीर एक ऐसा फल है जिसे कच्चा और सूखा दोनों तरह से खाया जा सकता है। इस फल का रंग अंदर से हल्का पीला होता है, जबकि पकाने के बाद गहरा सुनहरा या बैंगनी हो सकता है। अंजीर में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, के और कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, प्रोटीन, जिंक, कॉपर। स्वाद में यह मीठा होता है। अगर आप रोज 3 या 4 सूखी अंजीर रात में पानी में भिगोकर रख दे और सुबह उठकर इसको खा ले तो यह आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अगर आपको हड्डियों में कमजोरी महसूस होती है तो आप अपनी डाइट में अंजीर को शामिल कर सकते हैं। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो हड्डियों को कमजोर होने से बचाने में मदद करते हैं। नियमित सेवन से आप ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं। अंजीर खाने से शरीर में खून की कमी की समस्या में भी लाभ मिलता है। एनीमिया जैसी बीमारियों में अंजीर का सेवन करने को कहा जाता है, क्योंकि इसमें आयरन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है। अंजीर के सेवन से पेट दर्द, गैस और कब्ज की समस्या से राहत मिलती है। अनेक लोग कब्ज की समस्या से परेशान रहते हैं। यह एक ऐसी परेशानी है जो कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकती है। अंजीर में उच्च मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिससे कब्ज में राहत मिलती है। अंजीर झुर्रियों को कम करने में बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं। अंजीर में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीकोलेजनेस गुण होते हैं, जो त्वचा के लिए अच्छे होते हैं। अंजीर का सेवन करना बालों के लिए भी अच्छा माना जाता है। इसमें मैग्नीशियम, विटामिन सी और ई जैसे बहुत से पोषक तत्व होते हैं, जो बालों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अंजीर के सेवन से बालों की समस्या जैसे रुसी, बालों का झड़ना भी कम हो सकते हैं। अंजीर में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं, जो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं, और इसमें पाया जाने वाला विटामिन सी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। इसीलिए अंजीर को इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है। अंजीर में फ्लेवोनॉइड और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में ब्लड प्रेशर को संतुलित बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। यही वजह है कि अंजीर ब्लड प्रेशर की परेशानी को कम करने में फायदेमंद मानी जाती है। अगर आप शारीरिक कमजोरी से परेशान रहते हैं तो आप अंजीर का सेवन कर इसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अंजीर में विटामिन, सल्फर, क्लोरीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह सारे तत्व शरीर में एनर्जी बढ़ाने का काम करते हैं। इसके लिए अंजीर के 1 या 2 सूखे फलों को रात भर पानी में भिगो दे और इसे सुबह खाएं। इससे शरीर में दिन भर एनर्जी बनी रहती है। अंजीर का सेवन मोटापा कम करने में फायदेमंद होता है। अंजीर में बहुत कम कैलोरी होती है, जिससे वजन नियमित रहता है। इतना ही नहीं, सूखे अंजीर में फैट की मात्रा भी बहुत कम पाई जाती है, जिसके सेवन से बढ़े हुए वजन को कम किया जा सकता है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि अंजीर का सेवन अधिक मात्रा में न करें, क्योंकि यह वजन को बढ़ा भी सकता है, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा अधिक होती है। डायबिटीज रोगियों के लिए अंजीर के पत्ते काफी फायदेमंद माने जाते हैं। अंजीर एक्सट्रैक्ट खून में मौजूद फैटी एसिड और विटामिन ई के लेवल को नियंत्रित रखता है, जिससे डायबिटीज ट्रीटमेंट में लाभ मिलता है। जो लोग सांसों से संबंधित समस्याओं जैसे दमा जैसी बीमारियों से परेशान रहते हैं, उनके लिए अंजीर फायदेमंद हो सकता है। अगर बच्चों को सांसों से संबंधित परेशानी है तो सूखे अंजीर फल को शक्कर और सिरके में पीस लें, इसे बच्चों को खिलाएं। इससे बच्चों को सांसों से संबंधित रोगों में राहत मिलती है। अंजीर को दिल के रोगों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं और हृदय को सुरक्षित रखते हैं। इसमें ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड भी पाए जाते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखते हैं। अंजीर का इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है। अंजीर का सूखा फल आसानी से किसी भी ड्राई फ्रूट्स की दुकान पर मिल जाता है। और दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते। इन पर अमल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।